हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका ड्रीम फॉर बड़ी, और मैं आज आ गया हूं एक और गलत डिसीजन जो लोगों ने ले लेते हैं आइल्स के एग्जाम को लेकर, और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। बट आज आपको लग रहा होगा कि मैं हिंदी बोल रहा हूं, बट वही है, प्रीवियस वीडियो में इंग्लिश था। तो क्योंकि कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो मुझे लगता है कि सब तक पहुंचने चाहिए, तो वो मैं उन तक पहुंचाने के लिए मैं कहीं ना कहीं जो जो लेटेस्ट डिले अपडेट्स हैं वो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, बट मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं, आपको पता ही है। तो एनीवेज, तो वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले वही अपना सेम डिस्क्लेमर कि जो भी मैं आपको बताता हूँ इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले अपने वीजा कंसल्टेंट, ऑफिशियल वेबसाइट, ट्रस्ट रिसोर्सेज पे जाके पक्का चेक करें। किसी पे भी दोस्तों ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। तो आज मेरे पास एक और सिनेरियो आ गया है जहाँ पे यूके होम, जहाँ पे मेरे एक व्यूअर हैं और उनके पास यूके होम ऑफिस से ईमेल आया है कि आपने करेक्ट आयल सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, और जो आपने आयल सर्टिफिकेट जमा किया उसमें यूके वीआई का रेफरेंस नंबर नहीं है। विच मीन्स कि आपने जो आयल्स एग्जाम है वो जो जो अप्रूव्ड प्रोवाइडर्स हैं उनसे आपने नहीं दिया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब मैंने उनसे बात करी, वो जो मेरे व्यूअर हैं उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा सर मैंने आइल्स दिया क्योंकि सर वो ये वाला थोड़ा आसान लग रहा था तो मैंने दे दिया। तो यही आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आसान की कोई बात नहीं है। जो एग्ज़ाम यूके होम ऑफिस ने अप्रूव कर रखा है वर्क वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए, वही आइल्स के एग्ज़ाम आपको देने हैं। जैसे आइल्स फॉर यूके वीआई है, पीटीई फॉर यूके वीआई है, वो आपको पक्का चेक करना है कि कौन सा एग्ज़ाम है जो आपके आपके वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा के लिए अप्रूव्ड है, और वही एग्ज़ाम आपको देना है। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम फिर कहीं ना कहीं आएगी। अब इसमें एक और डबल प्रॉब्लम है। आप ये कह सकते हो ठीक है भाई, अब होम ऑफिस ने आपको ईमेल किया है कि 10 दिन के अंदर आपको करेक्ट आयल सर्टिफिकेट जमा करना है। तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन आप ये भी सोच सकते हो कि यार चलो मैं जल्दी से आयल्स एग्जाम दे देता हूँ, या मैं जल्दी से पीटी एग्जाम दे देता हूँ, क्योंकि पीटी का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आ जाता है एज कम्पेयर टू आयल्स। तो मैं आयल्स या पीटी में से कुछ भी दे के मैं तुरंत उनको मैं सर्टिफिकेट दे देता हूँ। बट ये भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि जब भी आप आईएलटीएस या पीटी का एग्जाम देने के लिए जाते हो, वो लोग सबसे पहले ओरिजिनल पासपोर्ट मांगते हैं, और पासपोर्ट तो आप ऑलरेडी सबमिट करके आ चुके हो वीएफएस में। तो यहाँ पे आपके पास थोड़े ऑप्शंस जो है ना वो कहीं ना कहीं कम कम बचते हैं। तो लास्ट में आप बस यही कर सकते हो कि रिक्वेस्ट करो होम ऑफिस को ईमेल करके कि सर मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर कैंसिल करके मुझे अगर वीज़ा फीस रिफंड मिल जाए तो वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। बट इस केस में भी जो वीज़ा फीस का जो रिफंड प्रोसेस है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो चांसेस है ना वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए आप इस तरह की प्रॉब्लम में ना फंसें, प्रॉपर आइल्स एग्जाम दें जो अप्रूव्ड है वर्क वीज़ा के लिए या स्टडी वीज़ा के लिए, और पीटी या एक्टिस के लिए या सर्टिफिकेट जा रहे हो तो वो भी आप पक्का चेक करें कि कौन सा प्रॉपर है जो आपको वहाँ पे देना है। ओके, तो वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी एक चीज़ मैं और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब भी अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो कई लोग पूछते हैं कि सर मैं क्या कब अप्लाई कर सकता हूँ, 6 महीने बाद अप्लाई कर सकता हूँ या 1 साल बाद अप्लाई कर सकता हूँ। तो जैसे अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है आप उसी टाइम इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हो। रीअप्लाई करने का कोई सेट टाइम फ्रेम नहीं है, आप जब चाहो तब रीअप्लाई कर सकते हो। बट अनटिल अनलेस उन्होंने आपके रिजेक्शन लेटर पे उन्होंने कुछ बैन ना लगा रखा हो या कुछ ना कुछ मेंशन ना करो, क्योंकि कई बार वो कहते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ले सकते हो, बट वो काफ़ी टाइम लेता है। आप ले सकते हो बट वो काफ़ी टाइम लेता है, और कई बार वो लोग बैन भी कर देते हैं या आप इतने टाइम तक नहीं अप्लाई कर सकते। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है आप रीअप्लाई किसी भी टाइम कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के वीडियोस आपकी प्रॉब्लम्स और जितने भी सिनेरियोस मेरे पास आ रहे हैं मैं लगातार आपके पास ला रहा हूँ, ताकि ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो करने से आप बचें, और आपका जो वीज़ा है अल्टीमेटली जो पॉजिटिव साइड में प्रोसेस होने के साथ साथ अप्रूवल की साइड में बढ़े। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।